मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कोई पोल वेबसाइट बनाओ क्विज के ऊपर, पजल्स के ऊपर। वैसे तो मैं क्विज वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मूवी क्विज वेबसाइट कैसे बना सकते हैं उसकी मैंने डिटेल्स बताई थी। पर आज मैं आपको थोड़ा और एडवांस बताऊंगा कि आपको पता है फ्रेंड्स इलेक्शन आने वाले हैं, IPL आने वाला है, आप उसके ऊपर एक पोल वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं तो क्विज वेबसाइट या फिर पजल वेबसाइट, जनरल नॉलेज वेबसाइट, ये सारी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आप किसी डेवलपर को हायर करेंगे तो वो आपसे अच्छे खासे पैसे ले लेगा इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए। पर मैं आज आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी वे में बताऊंगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट खुद क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी वर्डप्रेस के अंदर। ब्लॉगर वाले बिल्कुल भी निराश ना हो, उनके लिए भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। अगर आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रेंड्स कोशिश ना करें, जल्दी से चले जाए, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको काफ़ी अच्छे प्लगइन्स मिलेंगे जो कि आपको ब्लॉगर के अंदर नहीं मिलेंगे। पर ब्लॉगर के अंदर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर वो वाले फीचर्स नहीं होंगे जो आज के वीडियोस के अंदर होंगे, और इसके अंदर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा, ट्रैफिक भी आता है, ये सारे प्रूफ मैं वीडियो में दिखाऊंगा। वो कौन सा प्लगइन है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी डिटेल्स मैं वीडियो में चल के बताऊंगा। पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप चाहे पजल के ऊपर बना रहे, क्विज के ऊपर बना रहे या फिर कोई पोल वेबसाइट बना रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वर्डप्रेस के ऊपर बना रहा हूँ, ब्लॉगर वाले निराश मत होना, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। पर ब्लॉगर वाले भी अगर चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप माइंड मेकअप कर रहे हैं वर्डप्रेस में जाने के लिए तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं और उन प्लगइन्स के अंदर आपको काफ़ी ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको ब्लॉगर में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको एक वेब होस्टिंग की ज़रूरत है, प्लस आप किसके ऊपर अपनी क्विज, पजल या फिर पोल वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक कीवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कीवर्ड के ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक आर्टिकल चाहिए जिसके भी ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स के ऊपर बना रहे हैं एक पेज, दूसरा पेज बॉलीवुड के ऊपर, तीसरा पेज सॉन्ग्स के ऊपर, तो पर पेज के लिए आपको 3-4 ऐसी लाइंस ज़रूर चाहिए गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। एटलीस्ट 300 से 500 वर्ड्स उसके अंदर ज़रूर होने चाहिए, और उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए जो आप उसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, जिससे आपका जो ब्लॉग है, जो पेज है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और आपको कभी भी कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अगर आपको इन सब के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डोमेन के लिए फ्रेंड्स आपने यूट्यूब में जाना है, डोमेन टेक्नो वेदांत लिखना है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे डोमेन से रिलेटेड। और दूसरा पॉइंट है हमारा वेब होस्टिंग, तो आपको यूट्यूब में जाके होस्टिंग टेक्नो वेदांत लिखना है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे वेब होस्टिंग से रिलेटेड। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको 2 लिंक मिलेंगे, आप चाहे वहाँ से जाके भी वेब होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कीवर्ड, और कीवर्ड से रिलेटेड आप में से अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि कीवर्ड से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। कीवर्ड रिसर्च टेक्नो वेदांत लिखना है और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कीवर्ड्स की रिसर्च करी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आर्टिकल, यूनिक आर्टिकल के ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे यूनिक आर्टिकल लिखना है। नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट करें। और क्वेश्चन आंसर के लिए फ्रेंड्स आप किसी भी बुक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करके, नहीं तो इंटरनेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसी को आप कॉपी कर सकते हैं, बस थोड़े आपको चेंजेस करने पड़ेंगे उसके अंदर। और बिल्कुल लास्ट में आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस, आपने यूट्यूब में जाना है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस टेक्नो वेदांत लिखना है, और यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहां से मिलेगी। अगर इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इन सबके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इन सबकी नॉलेज है तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, अपने डोमेन को उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड में जाने के बाद प्लगइन्स लिखा है, प्लगइन्स के नीचे आपको ऐड न्यू की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सर्च बार में आपने लिखना है क्विज मेकर। उसके बाद आप ये जो फर्स्ट प्लगइन देख रहे हैं इसको यहाँ से आपने इंस्टॉल करना है। और जब भी आप अपने वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो एक बार नीचे ये लाइन ज़रूर पढ़ लें कि आपका जो वर्डप्रेस का अभी वर्जन है उसके साथ ये कंपैटिबल है या नहीं। आप देखेंगे कुछ कुछ आपको इस तरह के नीचे मैसेज मिलेंगे, अगर आपके वर्डप्रेस के साथ ये कंपैटिबल नहीं है तो उस प्लगइन को आप इग्नोर ज़रूर करें। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल मिलेंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। इंट्रो में मैं आपको इसका डेमो दिखा चुका हूँ तो इसलिए यहाँ से मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू की, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। जैसे मैंने कहा था फ्रेंड्स आपके पास एक कीवर्ड होना चाहिए कि इस कीवर्ड के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लूँगा मैथ्स क्विज,
यहाँ पे मैंने इसको एस कर दिया। मैथ्स क्विज है, अगर इसकी आप इमेज देना चाहते हैं तो इमेज ज़रूर दें, उससे थोड़ा ये अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे लिखा है ऐड इमेज, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स में गया, सिलेक्ट में गया और यहाँ से फ्रेंड्स मैंने अपनी एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया। और फ्रेंड्स अगर आपको इमेज का SEO नहीं पता कैसे करते तो आपको उसकी नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, इमेज SEO टेक्नो वेदांत लिखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप इसको देख के अपनी इमेज का SEO ज़रूर करें, इससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने अपनी इमेज को अपलोड कर लिया। पेज को नीचे करके यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ज़रूर ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया और डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपका जो मेन कीवर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ क्विज़, ये ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप पेज को नीचे करेंगे, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अभी मैं आपको वो भी बताऊँगा आप कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ से पेज को नीचे करके आपने सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने सिर्फ क्विज़ का भी टाइटल दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे क्विज़ कैटेगरी लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है ऐड न्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी दे देनी है, जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा मैथ्स क्विज़। और यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स एक आध लाइन लिख सकते हैं और उसके बाद सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक ऐसे ही आपको अब नीचे क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन और उसके आंसर होने ज़रूरी है। क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन ऐड करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे, आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिल रही है और यहाँ प्लस का साइन है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इन ऑप्शंस को भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आप किस तरह से देना चाहते हैं, रेडियो बटन ड्रॉप डाउन टेक्स्ट नंबर, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको रेडियो में रहने दूंगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपने अपने आंसर्स को ऐड करना है। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है इसका आंसर है 666 और यहाँ पे आप देख रहे हैं करेक्ट की आपको एक ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आपने टिक करना है। मतलब जो इसका राइट आंसर है आपको पता होना चाहिए और आप उसके ऊपर टिक करेंगे और यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन की कैटेगरी मिल रही है, अभी हम इसको भी ऐड करेंगे। सेव एंड क्लोज के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अभी 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्विज कैटेगरी के अंदर कैटेगरी को ऐड करा था, अब हम क्वेश्चन कैटेगरी में भी अपनी कैटेगरी को ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर जाना है और सेम उसी तरह से लिखना है जैसे हमने पहले ऐड करा था और उसके बाद आपने सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। अब फिर से फ्रेंड्स आपको अपने क्विजेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एडिट में जाना है। अभी आप कैटेगरी देख रहे हैं अनकैटराइज था, अब यहाँ से आप पेज को नीचे करेंगे और मैथ्स क्विज को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड क्वेश्चन की आपको ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अभी जो हमने क्वेश्चन ऐड करा था उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट क्वेश्चन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपने क्वेश्चन के अंदर जाना है और इसकी भी कैटेगरीज आपने ऐड करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी अनकैटराइज्ड है, एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप पेज को नीचे करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स आपने मैथ्स क्विज को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था वो सिर्फ अभी आपको एक क्वेश्चन का दिखाया है और इसके बाद आपने सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड करा है, अब यहाँ पर लिखा है ऐड न्यू, इसके अंदर आप और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, उसका आंसर नीचे ऐड कर दिया और उसके बाद जो उसका करेक्ट आंसर था उसको मैंने टिक कर दिया। यहाँ से भी मैं मैथ क्विज़ की कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा और सेव एंड क्लोज के ऊपर मैंने क्लिक करा। इस तरह से फ्रेंड्स आप जितने मर्जी क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन को भी ऐड कर चुका हूँ और मैंने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करा। अब याद रखेंगे फ्रेंड्स मैं 3 क्वेश्चन ऐड कर चुका हूँ, अब आपको फिर से क्विजेस के ऊपर क्लिक करना है, एडिट पर जाना है और यहाँ से फ्रेंड्स अभी हमने जो क्वेश्चन ऐड करे थे अब हम उसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पर जाना है, अब आप सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप देखेंगे हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ ऐड हो गया है और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से पेज को नीचे करके सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट में जाना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी वीडियो स्टॉप मत करना क्योंकि अभी इसको और किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है मैं आपको वो भी बताऊँगा। आपने ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड देना है, आपका जो भी कीवर्ड है आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद नीचे आपको कोड ऐड करना है, वो शॉर्ट कोड आपको यहाँ पर दिया है, इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करके मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ किस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा पेज ओपन हो गया, पेज को मैंने नीचे करा और इस तरह से ये ऊपर इमेज आ रही है और नीचे जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दी थी वो यहाँ पर शो कर रही है। यहाँ पर लिखा है स्टार्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो यहाँ क्वेश्चन है उसका आंसर फ्रेंड्स आपको नीचे देना है, जैसे ये आंसर है तो इसको मैंने टिक करा और नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया।
यहाँ से हमें आंसर सिलेक्ट करते जाने और उसके बाद फ्रेंड्स सी रिजल्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा स्कोर 100% है और उसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो ये आपको ये भी बताएगा कि आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया और उसके आगे आप देखेंगे टिक आ रहा है। अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वो उसका भी आंसर बता देगा कि उसका राइट आंसर क्या है। पर अभी आपको देखने में ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, अब मैं बताऊँगा इसको आप थोड़ा और अट्रैक्टिव कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन दे दी है, अब आपको इसके बारे में थोड़ा यहाँ ऊपर ज़रूर लिखना होगा। उसके लिए क्या करना है अब मैं आपको ये बताता हूँ। वापस आप एडिट पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और मैंने आर्टिकल लिखा 2-3 लाइनों का और इसको मैंने यहाँ से ऊपर कर दिया। उसके बाद वापस आपको यहाँ पे आना है, आप अपने क्वेश्चंस में भी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था मैं एडिट के ऊपर गया, यहाँ पे आप देखेंगे ऐड इमेज की ऑप्शन आ रही है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इमेजेस देने से थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स मैंने जो साइज़ लिया वो 600x399x397 इस तरह का साइज़ लिया है। ये एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटा साइज़ लिया है, इसका आउटपुट कैसे आएगा ये हम देखेंगे। यहाँ से मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करा और उसके बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से सेव एंड क्लोज के ऊपर मैंने क्लिक करा। ठीक ऐसे ही आपको अपनी इमेजेस अगर ऐड करनी है तो आप इस तरह से इमेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं इमेजेस ऐड कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं अपना स्टार्टिंग में एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, भले वो 2-3 लाइन का है पर आपको भी लिखना ज़रूर है। यहाँ पे आप देखेंगे पेज को मैं नीचे करूँगा, यहाँ पे मेरी वो 2-3 लाइन आ गई है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जितना बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आपका कीवर्ड आएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स ये पहले वाला ही है, जैसे ही मैंने स्टार्ट पर क्लिक करा यहाँ पर इमेज आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक गलत आंसर दे देता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर इमेज आने से ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं जानबूझ के इसके अंदर गलत आंसर दे रहा हूँ और देखते हैं लास्ट में ये किस तरह से दिखाता है। सी रिजल्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ देखेंगे सिर्फ 33% मुझे मिला है और उसके बाद मैं पेज को नीचे करूँगा तो ये मुझे बता रहा है मैंने ये रॉन्ग आंसर दिया और राइट आंसर ये वाला है। और ठीक ऐसे ही सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में, ऐसा ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करे तो आप 3 करें, आप यहाँ कम से कम 15-20 क्वेश्चन ज़रूर करें जिससे आपका जो व्यूअर है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपकी वेबसाइट के अंदर विजिट करे। अगर आप इसके अंदर और चेंजेस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेगी, आपने क्विजेस के अंदर जाना है और आप देखेंगे एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगी। सबसे पहले स्टाइल, आपको यहाँ पे ऊपर ये 6 स्टाइल मिलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये क्लासिक लाइट के ऊपर सिलेक्ट है और ये जो दोनों स्टाइल है ये आपको प्रो वर्जन में मिलेंगे, तो यहाँ से आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा लगा था, मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट करा और उसके बाद यहाँ से पेज को नीचे करा। अब आप यहाँ एनिमेशन इफेक्ट कैसा चाहते हैं, फेड या शेक, अभी तक शेक हो रहा था, अब मैंने इसको यहाँ पर फेड कर दिया, आप देखेंगे यहाँ किस तरह का डेमो दिखाई दे रहा है। शेक करूंगा तो ये किस तरह से दिख रहा है और उसके बाद फेड करूंगा तो ये किस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद आप अपने कलर्स को चेंज करना चाहते हैं अगर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं, आप अपने आंसर को रैंडमाइज़ करना चाहते हैं मतलब ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्वेश्चन को भी रैंडम करना चाहते हैं। अभी मैंने 1, 2, 3 जिस तरह से दिए है ये आगे पीछे हो जाएगा, थर्ड वाला फर्स्ट पर आएगा, कभी फर्स्ट वाला सेकेंड पर आएगा, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको कर सकते हैं। आंसर व्यू आपको लिस्ट में चाहिए, ग्रिड में चाहिए, किस तरह से चाहिए, तो आपको काफ़ी सारी यहाँ ऑप्शंस मिलेगी। ठीक ऐसे ही रिजल्ट सेटिंग में भी आप फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आप जब रिजल्ट आ रहा होता है लोडिंग आपको किस तरह की चाहिए उसको आप यहाँ एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और रिजल्ट आने के बाद अगर आप कोई चाहते हैं यहाँ पर मैसेज लिखना तो उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल वैसे ही रहने दें जैसा एज इट इज़ है। यहाँ पर लिमिटेशन यूज़र, यूज़र डाटा, ये हमारे इतने काम का नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। और ये सारी सेटिंग करने के बाद सेव एंड क्लोज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपने करना क्या फ्रेंड, आपका जो ऊपर मेन मेन्यू होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एडसेंस एंड्रॉयड लिखा हुआ है, आप यहाँ कैटेगरी लिखेंगे, जैसे मैथ्स क्विज, बॉलीवुड क्विज, सॉन्ग क्विज, GK क्विज, इस तरह से आप कैटेगरीज बनाते जाएंगे और उसी से रिलेटेड आप नीचे पेज बनाते जाएंगे। अभी मैंने मैथ क्विज का सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ मैथ क्विज़ के आगे और भी पेज बना सकते हैं, मैं भी आपको उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल ओपन करा, मैथ क्विज़ लिखा और आप देखेंगे यहाँ मैथ क्विज़ क्वेश्चंस, मैथ क्विज़ फॉर क्लास 6, मैथ क्विज़ फॉर 5th, 7th, 2nd, 4th, इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ मैथ क्विज़ का बनाया है, ऊपर मैंने यहाँ पर मैथ क्विज़ लिख दिया और जब कोई उस पर पॉइंटर ले जाएगा तो नीचे मैथ क्विज़ फॉर क्लास 6, क्लास 5th, क्लास 7th, इस तरह की आप कैटेगरीज ज़रूर बना सकते हैं। और आप जनरल नॉलेज में भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। बाकी आप कौन कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से जो भी हमने एनिमेशन ऐड करी है मैं उसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ,
पेज को मैंने नीचे करा, स्टार्ट के ऊपर करा तो आप देखेंगे ये फेड होने लग गया। पर यहाँ से फ्रेंड्स मैंने इसको सिलेक्ट करा, नेक्स्ट पे गया, आप देखेंगे अब फेड हो रहा है। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब जो लोडिंग वाला मैंने पहले चेंज करा था, अब उसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये लोडिंग एनिमेशन हमने सिलेक्ट करी थी, उसी तरह की एनिमेशन यहाँ आने लग गई। यहाँ पे ये 66% दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे एक रॉन्ग आंसर दिया। अब देखेंगे मैंने 100 को सिलेक्ट करा था पर राइट आंसर 666 था, और उसके बाद ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या इसे हमें गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलेगा, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मैंने मैथ क्विज लिखा है और यहाँ पर मैंने 2-3 वेबसाइट को ओपन करा है। यहाँ पर आप देखेंगे गूगल एडसेंस के यहाँ अप्रूवल मिला हुआ है, सेकेंड वेबसाइट में भी देखेंगे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको इसका ट्रैफिक चेक करा देता हूँ, यहाँ पे 1,00,000 इसका मंथली ट्रैफिक है, और सेकंड वाली जो वेबसाइट है फ्रेंड्स, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट है, अप्रॉक्सीमेटली 1.902 मिलियन इसका मंथली का ट्रैफिक है। और मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बताया कि मैं ट्रैफिक कौन सी एक्सटेंशन से चेक करता हूँ। मैं ये पॉइंटर ले गया और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स इसका नाम आ गया SEO क्वैक। इस एक्सटेंशन को मैं यूज़ करके इनके ट्रैफिक चेक करता हूँ। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि आपने अब किस टॉपिक के ऊपर, किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है। तो आपने देखा इस प्लगइन की हेल्प से आप एक क्विज वेबसाइट, पजल वेबसाइट या पोल वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर ही लिखना है। और अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर गई तो फ्रेंड्स आपको गूगल में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी होगी और इसमें गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलेगा। मैं आपको वो प्रूफ भी दिखा चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।